ओम शांति, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम बैक टू लाडो भाई ब्लॉग्स। आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे धन के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम वेल्थ कहते हैं। धन अर्थात रुपया, पैसा, ज्वेलरी, गाड़ी, बंगला और भी कई चीज़ें सभी धन में आती हैं। हमें धन की सब जगह आवश्यकता होती है, जैसे खाने का सामान खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, स्कूल के एडमिशन के लिए, गाड़ी में आने जाने के लिए, घर में मशीनें खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए और भी कई चीज़ें। सभी चीज़ों में धन की आवश्यकता होती है। पैसा इतना होना चाहिए जिससे हमारी हर ज़रूरत पूरी हो सके और साथ साथ हम दूसरों का भी भला कर सके, हर ज़रूरतमंद आदमी का हम हेल्प कर सके। चलिए आज एक कविता आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिसका शीर्षक है धन से क्या खरीद सकते हैं। धन से शैया खरीदी जा सकती है, नींद नहीं। धन से पुस्तकें खरीदी जा सकती है, ज्ञान नहीं। धन से भोजन खरीदा जा सकता है, हाजमा शक्ति नहीं। धन से दवाई खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। धन से मकान खरीदा जा सकता है, घर नहीं। धन से कपड़े खरीदे जा सकते हैं, आचरण नहीं। धन से विलासिता खरीदी जा सकती है, सभ्यता नहीं। धन से आमोद प्रमोद खरीदा जा सकता है, खुशी नहीं। धन से प्रसादन सामग्री खरीदी जा सकती है, सुंदरता नहीं। धन से देवालय खरीदा जा सकता है, निर्मलता नहीं। धन से आज्ञाकारी सेवक खरीदा जा सकता है, सम्मान नहीं। धन से नौकर खरीदा जा सकता है, मित्र नहीं। धन से धन खरीदा जा सकता है, समानता नहीं। धन से विषय सुख खरीदा जा सकता है, प्यार नहीं। धन से आदमी खरीदे जा सकते हैं, विश्वास नहीं। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती है, शांति नहीं। धन से सामाजिक स्थिति खरीदी जा सकती है, कुलीनता नहीं। धन से मान्यता खरीदी जा सकती है, प्रतिष्ठा नहीं। धन से पदवी खरीदी जा सकती है, महानता नहीं। धन से सेवा खरीदी जा सकती है, स्वामी भक्ति नहीं। धन से शक्ति खरीदी जा सकती है, प्रभाव नहीं। धन से इंसान खरीदे जा सकते हैं, इंसानियत नहीं। सबसे श्रेष्ठ धन आपका खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन है। जीवन का असली धन परोपकार, संतोष, सद्भाव, प्रेम, सहयोग आदि है। विद्या मनुष्य का बड़ा धन है। विद्या के कारण ही मनुष्य धरती के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। समय एक अनमोल धन है जो हमें दिया गया है। यह हमारी जिंदगी के सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जो एक बार बीत जाए तो बाद में वापस नहीं आती। धन की प्यास जल की प्यास से कहीं बढ़कर दुखदाई है। जल की प्यास तो जल मिलने पर शांत हो जाती है, परंतु धन की प्यास धन मिलने पर और भी बढ़ती है। होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम शांति।